लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में करीब 65% मतदान हुआ, असम में सबसे ज्यादा तो यूपी में पड़े सबसे कम वोट। जी हां, तीसरा चरण समाप्त होने के साथ ही 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और 543 में से 282 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। पहले और दूसरे चरण में कुल वोटर टर्नआउट क्रमश 66.14% और 66.71% रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जहां 25 सीटों पर चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार यानी 7 मई को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 65% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई। चुनाव आयोग की ओर से देर रात 12:15 पर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक असम में सबसे अधिक 81.71% मतदान हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 76.52% और गोवा में 75.20% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57.34%, बिहार में 58.18%, गुजरात में 59.51% और महाराष्ट्र में थोड़ा बेहतर 61.44% मतदान दर्ज किया गया। कुल मतदान प्रतिशत 64.58% रहा। चुनाव आयोग के अनुसार यह आंकड़े एक अनुमानित रुझान है और जैसे जैसे डेटा एकत्र किया जा रहा है, मतदान प्रतिशत थोड़ा और बढ़ने की संभावना है। मतदान समाप्त होने का आधिकारिक समय शाम 6 बजे है, लेकिन निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी जो मतदाता पोलिंग बूथों पर कतार में लगे रहते हैं, उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए समय को आगे बढ़ाया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ में 71.6%, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 59.87%, कर्नाटक में 70.41% और मध्य प्रदेश में 66.5% मतदान दर्ज किया गया। आपको बता दें, तीसरे चरण में 8 करोड़ महिलाओं सहित 17 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र थे और 18 लाख कर्मचारियों द्वारा संचालित 1 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे। तीसरा चरण समाप्त होने के साथ ही 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और 543 में से 282 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। पहले और दूसरे चरण में कुल वोटर टर्नआउट क्रमश 66.14% और 66.71% रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जहां 25 सीटों पर चुनाव हुए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि तीसरे चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, प्रहलाद जोशी और एसपी सिंह बघेल की सीटों पर वोट डाले गए। भाजपा ने पिछले चुनाव में गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित तीसरे चरण की अधिकतर सीटों पर भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। जी हां, बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों ने दावा किया कि तीसरे चरण के बाद उनका पलड़ा भारी है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।